हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 14 फ़ोन है, तो मोटो जी 14 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है, तो होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं जी 14 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मोटो फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको जाना होगा सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको डिस्प्ले सेटिंग दिख रही होगी, तो उस पर जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर आपको होम सेटिंग्स पे जाना है तो होम सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। इसके ज़रिए आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप अनलॉक करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपका लेआउट्स वगैरह अनलॉक हो जाएगा, जहाँ से आप लेआउट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे तो इसको आप 3x3 पे भी कर सकते हैं, जो लेआउट आपका बदल जाएगा। जैसे आप लॉक करना चाहें लेआउट को, तो यहाँ से लॉक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। और सिंपली आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं कि आप सर्चिंग सेटिंग पे जाकर भी होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं। सिंपली आप सर्च करते हैं होम, सिंपली आपको सर्च करना लॉक लेआउट, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं आया, तो आपको होम सेटिंग सर्च करना होम, तो ये भी ऑप्शंस नहीं आ रहा, तो सिंपली आपको डिस्प्ले सेटिंग सर्च करना होगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सर्चिंग में नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले सेटिंग पे जाकर ही होम सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, इसके जरिए मतलब लेआउट वगैरह को आप अनलॉक कर सकते हैं मोटो फोन में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।